IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चिरमिरी क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां गत रात्रि को चोरों का 30 या 35 लोगों का गिरोह ने R6 की हाल ही में बंद हुई खदान के अंदर घुसकर गैस कटर से लोको गाड़ी के मोटर और कीमती वस्तु कोयला खान के कामगारों के टूल्स रखने वाली बक्सा की चोरी को अंजाम देने के लिए हथियार से लैस होकर खाने लगे। कर्मचारियों को डरा डमका कर बड़ी संख्या में खान की संपत्ति को चोरों ने अंजाम देने में कामयाब हो गए और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में श्रमिक संगठन और कोयला खान प्रबंधक ने संयुक्त रूप से इस चोरी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन एवं कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस चोरी पर अंकुश लगाने की मांग की थी, लेकिन यह चोरी कुछ क्षण के लिए बंद थी, लेकिन उन्हें चोरों के गिरोह ने फिर से चोरी को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिससे खान में लगी करोड़ों की संपत्ति चोरी हो रही है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस चोरी पर तत्काल अंकुश नहीं लगाता है तो मजबूरन कोयला खदान को बंद करने और आंदोलन करने के लिए संगठन को बाध होना पड़ सकता है। जब से चिरमिरी क्षेत्र के NCPH कोयला खदान की ओर R6 खदान बंद हुई है, तब से बड़ी संख्या में चोरों ने गिरोह बना लिया है और हथियार से लैस होकर घटना को अंजाम देने रोज आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।